लगता है कि वो बेकसूर हैं, जैसा कि उन्होंने वीडियो में भी बोला कि वो बेकसूर हैं, बस उन्हें पुलिस फंसा रही है। काहे दुश्मन बना रही है हमारा उनको बिहार में कौन नहीं जानता है, तो अब सीधा सा बात है कि अब कुछ भी बोल पाना समझदार है। सर्च मारा जाएगा ना तो हर एक नेता के घर में मिलेगा, मेरे से दुश्मनी हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं नेहा मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरे साथ अजय भारत। अनंत सिंह की मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही है। वही कई दिनों से अनंत सिंह और पुलिस में लुका छिपी का खेल खेला जा रहा है। आपको ये भी याद होगा कि कई दिनों से पहले कह सकते हैं कि अनंत सिंह ने एक वीडियो वायरल किया था जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पुलिस उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है, वो अपने आप को बेकसूर मान रहे हैं। और इसी क्रम में आज हम पहुँच चुके हैं पटना के गांधी मैदान और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आम जनता अनंत सिंह को बेकसूर मानती है या नहीं। तो बिना समय गवाए आइए मेरे साथ, क्या लगता है आपको, अनंत सिंह बेकसूर हैं बाहुबली नेता? पहली बात तो हम लोग इस क्षेत्र के रहने वाले नहीं हैं जी। हम लोग रहने वाले हैं कैमूर डिस्ट्रिक्ट के, विशेष रूप से अनंत सिंह के विषय में हम लोग जानते नहीं हैं कि आखिरकार उनका कार्यक्रम चरित्र क्या है, इसलिए उनके विषय में हम लोग विशेष कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई बात नहीं, और आप जानते हैं अनंत सिंह बाहुबली नेता अनंत सिंह? हम इनके बारे में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग इधर के रहने वाले नहीं हैं। आप लोग में से कोई अनंत सिंह को जानते हैं? आप जानते हैं? अच्छा, चलिए एक हमें शख्स मिल गए जो अनंत सिंह के बारे में जानते हैं। अच्छा बताइए, क्या लगता है आपको, अनंत सिंह बेकसूर हैं या नहीं? देखिए, बाहुबली जो है वो तो बेकसूर साबित हो जाते हैं, लेकिन उसके मकान के बगल में जो खपड़ेल घर था उसमें AK-47 मिला है, तो इससे सिद्ध होता है कि जरूर वह मकान उसके कब्जे में होगा या किसी दूसरे का भी होगा। नापी जोखी भी रात में हुई थी, पेपर में ऐसा दिया था, वो कह रहा है कि हमारा जमीन में नहीं है, हमारा मकान नहीं है, तो आप पुलिस के पर डिपेंड करता है कि वह उसको कुछ उस पर कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं। अगर ईमानदारी पूर्वक पुलिस कार्रवाई करे तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उसकी बाहुबली है, उसके बगल में खपड़ेल में AK-47 मिलता है, इसका मतलब है कि उसका उसमें हाथ है, उसका ही AK-47 है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो एक जनता की राय है, बाकी जनता से भी पूछते हैं। बाहुबली नेता एक समय में बिहार में उनकी तूती बोला करती थी और अब जो है वो कहीं ना कहीं विवादों में घिर गए, क्या लगता है आपको कि पुलिस को उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए या फिर आप उन्हें बेकसूर मानते हैं? देखिए, बेकसूर हैं या बाहुबली हैं, बाहुबली ने तो सरकार ने ही उनको बनाया जी। तो सरकार ने बाहुबली बनाया, आज सरकार के अनुकूल नहीं चल रहे हैं, सरकार के विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो अब सरकार तो जो चाहेगी वो करबे करेगी। बाहुबली तो जो रिकॉर्ड में आ गए तो बाहुबली है ही हैं, अब बाहुबली के लिए जो अथू है काम सरकार करे। तब कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कानून सबसे बड़ा है और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि भीड़ भी इकट्ठा होने लगी है। आप लोगों से जानो, युवा हैं आप लोग, जानते हैं बाहुबली नेता अनंत सिंह को? अनंत सिंह को नहीं जानते, पेपर नहीं पढ़ते आप लोग? चलिए, यहाँ भी कुछ लोग हैं, पेपर के फ्रंट पेज में भी अगर देख लिए जाए तो अनंत सिंह का चर्चा होता ही है, हर जगह अनंत सिंह छाए हुए हैं। आपकी क्या राय है, क्या लगता है आपको कि अनंत सिंह बेकसूर है? नहीं, इसके विषय में तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, उनके विषय में हमको मालूम नहीं है इतना, हम दूसरे जगह के हैं इसलिए इसके विषय में कुछ नहीं बता पाऊंगा। आप बताइए, आप अनंत सिंह? सॉरी, आई हैव नो आइडिया। मतलब पेपर से लेकर हर जगह उनकी चर्चा है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता जो है वो बताने से अभी भी कतरा रही है। कुछ और भी लोग मेरे पीछे मौजूद हैं, सर आप बताएंगे अनंत सिंह के बारे में, क्या लगता है आपको, बेकसूर है वो? नहीं, हम नहीं सुने हैं। कुछ लोग बोलने से भी इनकार कर रहे हैं उनके बारे में, हालांकि अनंत सिंह एक बहुत ही नामी चर्चा है और बिहार में एक समय में उनकी तूती बोलती थी, लेकिन अभी भी लोग जो है उनके बारे में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। कहाँ से आए आप, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं। मैं अभी तो रह रहा हूँ पटना में, और पटना में ही नौकरी करता हूँ। और तो बाहुबली नेता अनंत सिंह के बारे में तो सुना ही होगा क्योंकि कहीं भी अभी हर जगह उन्हीं की चर्चा हो रही है, क्या लगता है आपको कि वो बेकसूर हैं या फिर अगर बेकसूर नहीं है तो उन पे पुलिस को सख्त कार्रवाई? कसूरवार या बेकसूर करना तो अदालत का काम है, पुलिस का काम है जो हथियार मिला वो चीज डिपॉजिट करना, बाकी तो अदालत काम करेगी। बाकी अभी उन्हें खोजने में लगी है तो वो तो गायब है, और क्या कहे, जो होना चाहिए वो तो अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन हाँ वो उन्होंने कहा है कि सरेंडर कर देंगे, देखते हैं 4 दिन क्या होता तो है। क्या लगता है, अगर आपकी नज़र से हम पूछें तो आपको क्या लगता है कि अनंत सिंह जो है वो
काफी बाहुबली नेता माने भी जाते हैं, तो क्या हाँ बिल्कुल तूती बोलती थी एक समय में बिहार में उनकी, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इन सारी चीज़ों में उनका हाथ हो सकता है, चाहे हर चीज़ों को लेकर बात। देखिए इस पर मैं कह नहीं सकता, ना मैं पुलिस में था ना मैं उस जगह था, लेकिन जो मीडिया में दिखा रहा तो आदमी तो वही देखेगा ना कि जो दिखाया जा रहा है। कभी कभी तस्वीर कुछ और होती है लेकिन निकलता कुछ और है। तो अभी पुलिस को उनके घर से मिला, वो बात सही है, ठीक है, तो वो कितना सही है कितना नहीं, तो वो जब सरेंडर करेंगे केस चलेगा वगैरह सारी दाल भात खिचड़ी बनेगा तब वो पता चलेगा कि क्या निकला, हैदराबादी बिरयानी की खिचड़ी निकला। और क्या लगता है आपको कि इस बार जो है अनंत सिंह बच पाएंगे पुलिस से? देखिए अब इसमें कुछ नहीं कहे, उन्होंने कहा सरेंडर करेंगे तो देखते हैं, चार दिन देख लेते हैं, अभी तो दो दिन हुआ है, ये दूसरा दिन है। कुछ लोगों में बाहुबली नेता अनंत सिंह को लेके खौफ देखा गया है, जहां साफ तौर पे लोग बोलने से ही बच रहे हैं, लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो सख्त कार्रवाई करने की भी मांग कर रहे हैं। चलिए हम आपसे जानते हैं सर कि आप क्या सोचते हैं कि बाहुबली नेता अनंत सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? अगर कोई भी गलत काम करते हैं तो उन पर कार्रवाई तो होनी चाहिए, ऐसे समाज में ऐसा नहीं हुआ तो समझिए कि बहुत से सारे लोग उस पर मतलब थोड़ा अपनी आपत्ति व्यक्त करेंगे और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वैसी कार्रवाई की, अगर गलत काम किए हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और आपकी क्या राय है, आपको लगता है कि अनंत सिंह के खिलाफ जो सबूत इकट्ठा किए हैं पुलिस ने, उसके बाद पुलिस को उन्हें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए उसके ऊपर, या फिर आप उनको निर्दोष मानते हैं? नहीं, वो जो दोष है उसको तो सजा मिलना ही चाहिए, तो बाकी फैसला तो कोर्ट जो करेगा वही करेगा, कोर्ट जो सबूत मिलेगा उसके हिसाब से उसका सजा मिलेगा। क्या लगता है आपको, बाहुबली नेता अनंत सिंह अपने आप को बेकसूर कह रहे हैं, तो क्या वो सच में बेकसूर हैं आपकी नज़र से अगर पूछा जाए तो? नो मैम, आपको नहीं लगता? नहीं लगता मेरे को। तो पुलिस को उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? यस मैम, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आपकी क्या राय, आपको लगता है कि अनंत सिंह बेकसूर है? मैं भी, हो सकता है। हो सकता है, आपको लग रहा है कि वो बेकसूर है, उनको फंसाया जा रहा है? फंसाया जा रहा है, हो सकता है। भी यहाँ पे लोग हैं, चलिए उनसे भी जान लेते हैं कि उनकी क्या राय, आप क्या सोचते हैं सर कि अनंत सिंह जो हैं बाहुबली नेता अनंत सिंह बेकसूर हैं, अपने आप को बेकसूर बता रहे हैं, वो आपको लगता है कि वो बेकसूर हैं? बेकसूर अब तो जांच के होला के बाद में जांच हो रही है, तो सही जांच तो सर कार्रवाई होना चाहिए कि अगर बेकसूर है तो छूट जाएंगे, अगर दोषी है तो उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन कहीं ना कहीं सब ये भी कहते हैं कि एक समय पे उनकी तूती बोला करती थी, और आपको लगता है कि अब जो है पुलिस उन पे सख्त कार्रवाई करेगी? हाँ, कानून सही कर रही है काम, कानून, हाँ कानून अभी सही काम कर रहा है। AK-47 या फिर ग्रेनेड अगर ये निकला है तो या तो वो लाइसेंस दिखा, अगर अगर ये मतलब गैर कानूनी तरीके से रखे हुए तो फिर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर, जो भी मतलब कानून की तरफ से ये है, और अगर उनका उनके पास अगर लाइसेंस है तो फिर वो लाइसेंस दिखा, फिर वो निर्दोष है। बाहुबली नेता अनंत सिंह अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं, क्या लगता है आपको? मेरे से दुश्मनी हो जाएगी, क्या लगता है कानून को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं? मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में ढेर सारे लीडर्स हैं जो कि गलत तरीके से बन गए या बना दिए गए पब्लिक के द्वारा, क्योंकि मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि डेमोक्रेसी की जो परिभाषा दी गई है, विच इज़ फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, इसकी परिभाषा बदल दी गई है। डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड BUY, बाय द पीपल, यही डेमोक्रेसी रहेगी कि हमसे दूर है, हमारे लिए बंद है और हमारे द्वारा खरीदा जाता है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो हम लोग बेवकूफ़ हैं जो वोट देते हैं, अरे वो अपने वोट से भी जीत जाएंगे, मेरे देने से कुछ नहीं होगा। 130 करोड़ की आबादी है, सब बेवकूफ़ हैं जो जिता रहे हैं, चाहे मोदी हो या कोई भी हो, सभी एक होते हैं। कांग्रेस के टाइम में भी 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, सबके राज्य में तो घोटाला ही घोटाला हो रहा है। सर्च मारा जाएगा ना तो हर एक नेता के घर में मिलेगा, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि एक के फेवर में, अब जब वो नहीं आपस में रहते हैं तब उनके यहाँ रेड हो जाता है, जब फेवर में हो जाएंगे सब एक ही हैं थाली के, जैसे वकील का पैसा होता है कोर्ट में, दो वकील मिलकर के खूब लड़ते हैं,
अब बाहर निकलते हैं तो कंधे पे हाथ देते हैं, चल यार होटल में क्लाइंट का खाना है, तो वैसे ही ये सब भी हैं। अरे जनता साला बेवकूफ़ है, इससे क्या पूछना है, हम लोग जो करेंगे वही करेंगे। आपको क्या लगता है कि अनंत सिंह बेकसूर है? अगर बेकसूर नहीं है तो क्या पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए उन पर? मैम सीधा है कि वो तो क्लियर होगा कार्रवाई के बाद ही, ऐसे हम आप कोई भी केवल बोल देने से किसी को दोषी या निर्दोषी बोल नहीं सकते हैं, तो उसी तरह से पता चलेगा, अच्छे तरह से उस पर संगठन बैठे चीज़ों को अच्छे। आपकी क्या राय, आपको क्या लगता है कि वो बेकसूर हैं? जैसा कि उन्होंने वीडियो में भी बोला कि वो बेकसूर हैं, बस उन्हें पुलिस फंसा रही है, काहे दुश्मन बना रही है हमारा उनको बिहार में कौन नहीं जानता है, तो अब सीधा सा बात है कि अब कुछ भी बोल पाना समझदार है। आपको आप बताइए, आपको लगता है कि बाहुबली नेता अनंत सिंह अपने आपको बता रहे हैं कि बेकसूर हैं? वो तो कानून के हाथ में चले गए हैं, तो जांच हो ही रही है, तो कानूने अपना उनका देखेंगे। अपने आपको फंसाने की बात भी उन्होंने कही थी कि कहीं ना कहीं पुलिस उनको फंसा रही है। अब तो कानून के हाथ में चले गए हैं, तो जांच हो ही रहे, तो अब वही होगा, तो कानून पे पूरा भरोसा। हाँ यानी यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो कानून पे पूरा भरोसा दिखा रहे हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि अनंत सिंह बेकसूर है? अनंत सिंह किस मैटर पे बात करना चाह रहे हैं? चलिए आपको मैटर नहीं पता, हम बता देते हैं कि बाहुबली नेता अनंत सिंह जो हैं वो कई मामलों में घिर चुके हैं। एक समय में बिहार में उनकी तूती बोलती थी, अभी AK-47 उनके घर पर पाया गया जिसको लेकर पुलिस छापेमारी करी, तो वही हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या लगता है कि अनंत सिंह बेकसूर हैं या नहीं? मैम इस समय तो मेरा घर यहाँ पे नहीं है पटना में, मेरा घर कटिहार पड़ता है, और इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जब पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलेगी तो मैं इस पर डिस्कस करना चाहूँगा। यानी बहुत लोग जो है इसे बोलने से भी कतरात रहे हैं, जैसा कि आपने पहले भी देखा कि कई लोग जो हैं वो बोलना भी नहीं चाह रहे हैं, हालांकि कई लोगों ने अपनी परवाह कह सकते हैं कि बेपाक जो है वो राय भी अपनी रखी और साफ तौर पर कहा कि अगर अनंत सिंह इन मामलों में अपने आप को बेकसूर नहीं साबित कर पाए तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन उन पर सख्त कार्रवाई करेगी, और पुलिस प्रशासन पे उन्हें यानी कानून पे उन्हें पूरा भरोसा है। वैसे अगर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं कि आपकी क्या थिंकिंग है, और अगर आपको ये जो हमने आप पेश किया वो खबर जो है आपको पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जनता की राय हमने आपको दिखाई वो हमारे लोगों के बीच की राय है, जहां कुछ लोग जो हैं कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि बाहुबली का जो खौफ है वो अब भी कहीं ना कहीं बरकरार है, वहीं कुछ लोगों ने बेपाक अपनी राय रखी है। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अजय भारत, नमस्कार।